हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेजर के बारे में जिसका नाम है रूबी लेजर। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली वर्ल्ड में जो लेजर बनाई गई थी वो थी रूबी लेजर। ये एक सॉलिड स्टेट लेजर थी, इसमें जो एक्टिव मीडियम था वो सॉलिड स्टेट में था। ये बनाई थी टी मेमन ने और ये सबसे पहले सक्सेसफुली ऑपरेट की गई थी 1960 में। रूबी लेजर के चार मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक सॉलिड स्टेट लेजर है। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि एक थ्री लेवल लेजर सिस्टम है। तीसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें हम पॉपुलेशन इन्वर्शन को अचीव करवाने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। और जो चौथा जो मेन करेक्टरिस्टिक है इसका रूबी लेजर का, वो ये है कि ये पल्स मोड में काम करती है। इसकी जो आउटपुट मिलती है हमें वो पल्सिस की फॉर्म में मिलती है। हीलियम नियॉन लेजर की तरह इसकी आउटपुट हमें कॉन्टिन्यूस नहीं मिलती, पल्स की फॉर्म में मिलती है। स्टूडेंट्स, यही इसका डिसएडवांटेज भी है। तो स्टूडेंट, जब आपको एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, रूबी लेजर क्या होती है, ये कैसे काम करती है कंस्ट्रक्शन, तो आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है तो वो देख लेते हैं। द फर्स्ट लेजर टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली वॉज द रूबी लेजर विच वॉज फैब्रिकेटेड बाई टी मेमन इन 1960। सबसे पहली जो लेजर बनी थी, जो लेजर सबसे पहली जो लेजर ऑपरेट की गई थी वो बनाई थी टी मेमन ने, और 1960 में सबसे पहले रूबी लेजर जो थी वो फैब्रिकेट की गई थी। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूबी लेजर आर, नंबर वन, इट इज अ सॉलिड स्टेट लेजर। ये एक सॉलिड स्टेट लेजर है क्योंकि इसमें जो हम एक्टिव मीडियम यूज करते हैं, मेन जो इसमें लेजिंग मीडियम यूज करते हैं वो सॉलिड स्टेट में रहता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है, इट इज अ थ्री लेवल लेजर। ये एक थ्री लेवल लेजर सिस्टम है। इट इंप्लॉयज ऑप्टिकल पंपिंग। इसमें हम पॉपुलेशन इन्वर्शन करवाने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं, मीन्स लाइट का यूज करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें ऑप्टिकल पंपिंग यूज हो रही है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है, इट वर्क्स इन पल्स मोड। ये पल्स मोड में काम करती है, कॉन्टिन्यूस मोड में काम नहीं करती। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर। तो स्टूडेंट्स, रूबी लेजर कुछ ऐसी होती है दिखने में। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट किसी भी लेजर सिस्टम के जो होते हैं वो तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट होता है किसी भी लेजर का वो होता है एक्टिव मीडियम। तो सबसे हम पहले बात करेंगे एक्टिव मीडियम की। इस रूबी लेजर में जो एक्टिव मीडियम का काम करता है वो काम करता है रूबी क्रिस्टल, जो कि एक सिलेंड्रिकल रॉड की शेप में होता है। स्टूडेंट, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपको सिलेंड्रिकल रॉड दिखाई दे रही है ये है रूबी क्रिस्टल। ये रूबी क्रिस्टल एक सिलेंड्रिकल रॉड की फॉर्म में है, जिसलिए इसको नाम दिया जाता है रूबी रॉड। स्टूडेंट्स, रूबी रॉड जो होती है वो दो सब्सटेंसेस का मिक्सर होती है, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक होता है क्रोमियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में हमने डोपिंग की है क्रोमियम ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम ऑक्साइड मिक्स किया है। आपने इस हिसाब से मिक्स करना है एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर क्रोमियम ऑक्साइड की 0.05% एल्युमिनियम आयंस जो प्रेजेंट थे एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर वो रिप्लेस हो जाएंगे क्रोमियम आयन से। मीन्स हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर 0.05% एल्युमिनियम आयंस को रिप्लेस कर देना है क्रोमियम आयन से, ताकि आपका लेजिंग एक्शन प्रोसीड हो सके, आपको लेजर आउटपुट मिल सके। अगर हम क्रोमियम आयन्स को मिक्स नहीं करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड में तो आपको लेजर लाइट नहीं मिलेगी। तो ये डोपिंग करना जरूरी है, क्रोमियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम ऑक्साइड में मिलाना जरूरी है, और जो कंसेंट्रेशन रहेगी क्रोमियम आयन्स के एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर वो बहुत कम होगी, वो होगी 0.05%। मीन्स आपने 0.05% एल्युमिनियम आयन्स को ही रिप्लेस करना है विद क्रोमियम आयन्स। तो ये है स्टूडेंट्स रूबी रॉड, जो कि है रूबी क्रिस्टल की फॉर्म में, और यह काम करेगा हमारा एक्टिव मीडियम का। स्टूडेंट, तो दूसरा जो मेन कंपोनेंट होता है किसी भी लेजर सिस्टम का वो होता है रेजोनेटर कैविटी। रेजोनेटर कैविटी बनती है दो मिरर से। दो मिरर कौन कौन से होते हैं? एक एंड पे आपने एक मिरर लगाना है, दूसरे एंड पे आपने दूसरा मिरर लगाना है रूबी रॉड के। जो पिछले एंड पे आपने जो मिरर लगाना है वो हमेशा कंप्लीटली सिल्वर्ड मिरर होना चाहिए, मीन्स वो 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होना चाहिए। और जो आगे आपने मिरर लगाना है जहां से आपकी लेजर आउटपुट बाहर निकलेगी वो पार्शली सिल्वर मिरर होना चाहिए, मीन्स ये 90% रिफ्लेक्टिंग होगा और 10% ट्रांसमिटिंग मिरर होगा। इसमें से 10% ट्रांसमिशन होगा इस मिरर में से और 90% यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो मिरर्स आप देख रहे हैं रूबी रॉड के एंड्स पे, एक एंड पे यहाँ पर और एक एंड यहाँ पर, ये दोनों मिरर्स मिला के एक रेजोनेटर कैविटी बनाएंगे, और एक इस मिरर इसमें रहेगा कंप्लीटली सिल्वर्ड और दूसरा मिरर रहेगा पार्शली सिल्वर्ड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है
किसी भी लेजर सिस्टम का मेन कंपोनेंट जो रहता है किसी भी लेजर सिस्टम का, वो होता है पंपिंग सिस्टम। कि हमने पॉपुलेशन इन्वर्शन कैसे अचीव करवाना है, डिफरेंट लेजर्स में हम डिफरेंट मेथड से पॉपुलेशन इन्वर्शन को अचीव करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पंपिंग स्कीम्स यूज करते हैं। यहाँ पर हम जो रूबी रॉड ले रहे हैं वो सॉलिड स्टेट के फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए रूबी लेजर जो है वो सॉलिड स्टेट लेजर है। और सॉलिड स्टेट जहां पर एक्टिव मीडियम यूज होते हैं वहां पर सबसे अच्छा जो मेथड रहता है पंपिंग का वो होता है ऑप्टिकल पंपिंग। मींस हम लाइट के थ्रू लाइट सप्लाई करके हम एक्टिव मीडियम के एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करते हैं। और जब एक्साइटेड स्टेट के एटम्स जब ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं वो लेजिंग एक्शन शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने पंपिंग सिस्टम यूज किया वो ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम है, और उसके ऑप्टिकल पंपिंग को इम्प्लॉय करने के लिए हमने यहाँ पर जिनॉन फ्लैश लैंप लगाया है जो कि हमने रूबी रॉड के ऊपर वाउंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल शेप। तो ये स्टूडेंट्स है आपका हेलिकल शेप जिनॉन फ्लैश लैंप। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर और रजिस्टर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सर्किट के उससे हमने कनेक्ट कर दिया है। जब हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये जिनॉन लैंप फ्लैशेस ऑफ लाइट एमिट करेगा जिससे एक्टिव मीडियम के एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। मींस एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो जाएंगे। ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन रहती है स्टूडेंट्स, एक्साइटेड स्टेट में एटम्स हमेशा ज्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। अगर आपने लेजिंग एक्शन करना है, लेजर लाइट प्रोड्यूस करवानी है, तो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स शुड बी ग्रेटर देन दैट इन ग्राउंड स्टेट। तो ये है तीन कॉम्पोनेंट्स स्टूडेंट्स। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो जिनॉन फ्लैश लैंप होता है वो मिली सेकेंड्स में काफी थाउजेंड ऑफ जूल्स एनर्जी जो है वो एमिट करता है ताकि हम पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करवा सकें। उसकी वजह से स्टूडेंट जो रूबी रॉड होती है वो हीटअप हो जाती है, काफी सारी हीट प्रोड्यूस होती है जो कि इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकती है, उसकी पूरी वर्किंग को डिस्टर्ब कर सकती है। तो उस हीट को रिमूव करवाने के लिए आपको कूलिंग अरेंजमेंट भी यूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं हमने रूबी रॉड और फ्लैश लैंप जिसके ऊपर हमने वाउंड कर रखा है हेलिकल शेप में, उसको एक चैम्बर के अंदर रखना है। उस चैम्बर के अंदर आपको एक आउटलेट पाइप लगाना है और एक इनलेट पाइप लगाना है जहां से हमारा कोल्ड वाटर जो है बाहर निकल सके और अंदर जा सके इस चैम्बर के अंदर, और रूबी रॉड में जितने भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर सके ताकि हमारी रूबी लेजर प्रॉपरली वर्क कर सके। मीन्स रूबी लेजर में हमें कूलिंग अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है जो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो स्टूडेंट्स ये है कंस्ट्रक्शन रूबी रॉड की, और जो रूबी रॉड की जो लेंथ रहती है रूबी लेजर के अंदर मीन्स यहां से लेके जो यहां तक की लेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर रहती है। और जो आप ये सिलेंड्रिकल रूबी रॉड देख रहे हैं इसका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 0.5 सेंटीमीटर। मीन्स जो रूबी रॉड होती है काफी नैरो होती है, काफी पतली होती है, और लेंथ भी इसकी 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स रहती है। तो स्टूडेंट्स ये थी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ रूबी लेजर। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर। स्टूडेंट्स आपको जो रूबी लेजर का क्वेश्चन आएगा वो पूरे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसमें एक तो आपने डायग्राम बना के आना है, अच्छा सा बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के आना है। और स्टूडेंट्स जो आपने सेकंड जो चीज बना के आनी है बहुत ही नीट एंड क्लीन, वो है एनर्जी लेवल डायग्राम अच्छे से बना के आना है रूबी लेजर का। तो स्टूडेंट्स ये है एनर्जी लेवल डायग्राम रूबी लेजर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्राउंड स्टेट क्रोमियम आयंस की, और ये है अपर लेवल्स 4F2 एंड 4F1। ये है क्रोमियम आयंस के अपर लेवल्स, और जो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख रहे हैं ये है मीटर स्टेबल लेवल्स क्रोमियम आयंस के। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो जो पावर सप्लाई के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, जिसके कारण जिनॉन लैंप जो है वो फ्यू मिली सेकेंड्स में थाउजेंड ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, जिससे होगा क्या क्रोमियम आयंस जो थे रूबी रॉड के अंदर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो ग्राउंड स्टेट से चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो स्टूडेंट्स जो ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम आयंस प्रेजेंट थे वो जिनॉन फ्लैश लैंप की में से जो जिनॉन फ्लैश लैंप में से जो व्हाइट लाइट निकलेगी उसमें से 0.85 माइक्रोमीटर का कंपोनेंट और 0.42 माइक्रोमीटर का कंपोनेंट अब्सॉर्ब कर लेंगे लाइट का। तो 0.85 माइक्रोमीटर का कंपोनेंट होगा जिनॉन फ्लैश लैंप की लाइट में, वो ग्रीन कलर का कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए जो क्रोमियम आयन 0.85 माइक्रोमीटर वेवलेंथ का जो कंपोनेंट होगा जिनॉन फ्लैश लैंप की लाइट में, क्रोमियम आयन अगर उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो वो जाएंगे ग्रीन बैंड में, और जो क्रोमियम आयन 0.42 माइक्रोमीटर जो कॉरेस्पॉन्ड करता है ब्लू कलर को वो जाएंगे क्रोमियम आयन्स जो 0.42 माइक्रोमीटर वेवलेंथ के लाइट एब्जॉर्ब करेंगे वो जाएंगे ब्लू बैंड में। तो स्टूडेंट जो क्रोमियम आयन्स थे वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुके हैं।
ये अपर लेवल्स हैं हमारे क्रोमेमाइंस के। स्टूडेंट जो अपर लेवल्स होते हैं, जो एक्साइटेड लेवल्स होते हैं, उनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम रहता है, वो होता है 10^-8 सेकेंड। तो क्रोमेमाइंस जो यहाँ पहुंच चुके हैं 4F2 और 4F1 लेवल में, मीन ग्रीन बैंड और ब्लू बैंड में, वो ज्यादा देर यहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि वो अनस्टेबल रहेंगे, उनका लाइफ टाइम 10^-8 सेकेंड है, वो बहुत कम है। तो स्टूडेंट जैसे ही क्रोमेमाइंस यहाँ पहुंचेंगे, वो जंप करेंगे मीडियम स्टेबल लेवल 2E में। 2E का जो लाइफ टाइम होता है वो ज्यादा होता है, 10^-3 सेकेंड होता है, जो कि 10^-8 सेकेंड से ज्यादा है, मींस एक्साइटेड स्टेट से 2E का जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा है। तो जैसे ही क्रोमेमाइंस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे, वो वैसे ही ट्रांजिशंस करेंगे 2E लेवल में। 2E लेवल में जो ट्रांजिशंस होंगी वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होंगी, मींस जब क्रोमेमाइंस ग्रीन बैंड और ब्लू बैंड से 2E लेवल्स में आएंगे तो रेडिएशन एमिट नहीं होंगी, और ये जो ट्रांजिशन होंगी बहुत फास्ट होंगी। जो 2E लेवल है उसके अंदर दो लेवल है, एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल है। इसके ये जो लेवल्स की जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है। जो ब्लू बैंड से क्रोमेमाइंस जंप करेंगे 2E लेवल में, वो फर्स्ट लेवल में आएंगे, और जो ग्रीन बैंड से जंप करेंगे 2E लेवल में, वो 2E के लोअर लेवल में आएंगे। तो ये जो दो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, यहाँ से हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी, कोई लाइट नहीं मिलेगी, ना ही हमें कोई लेजर बीम मिलने वाली है इन ट्रांजिशन से। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा मीटर स्टेबल लेवल, यहाँ पर क्रोमेमाइंस जो है वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट में क्रोमेमाइंस कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्रोमेमाइंस जो है वो फ्लैश लैम्प की लाइट अब्सॉर्ब करके अपर लेवल से मीटर स्टेबल लेवल में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपर लेवल जो हमारा ये होगा, जो अपर लेजिंग लेवल होगा वो 2E लेवल होगा, और जो लोअर लेजिंग लेवल होगा वही ग्राउंड स्टेट होगी। मींस अपर लेजिंग लेवल में अब एटम्स जो हैं, जो आयंस है क्रोमेमाइंस, वो बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, मींस पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स जब क्रोमेमाइंस मीटर स्टेबल लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो आपको इन दोनों लेवल से जब वो नीचे ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे, तो आपको एक डबलेट दिखाई देगा। उस डबलेट की जो वेवलेंथ होगी वो होगी 694.3 नैनोमीटर, और दूसरे लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो होगी 692.3 नैनोमीटर। यहाँ से दो फोटोन एमिट होंगे, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, दोनों फोटोन जो है वो सेम वेवलेंथ के होंगे, और उनकी जो कोहेरेंस उनमें होगा उन दोनों फोटोन्स में। ये दोनों फोटोन जो है स्टूडेंट्स, हमने जो रेजोनेटर कैविटी बनाई थी जिसमें हमने 2 मिनट्स लगाए थे, एक फुली रिफ्लेक्टिंग और एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया था, उनके बीच में ये ट्रैवल करेंगे और ज्यादा क्रोमेमाइंस को ये स्टिमुलेट करेंगे कि वो अपर लेजिंग लेवल से ग्राउंड स्टेट में आए। तो आपके पास बहुत सारे फोटोन्स होंगे, वो फोटोन जो होंगे वो सेम फेज में होंगे, उनकी वेवलेंथ सेम होगी, इसलिए जब वो रिइंफोर्स करेंगे तो आपको एक लेजर बीम देंगे रेड कलर की। तो स्टूडेंट इस तरह लेजर लाइट वर्क करती है, रूबी लेजर वर्क करती है, और हमें रेड कलर की इंटेंस बीम देखने को मिलती है। स्टूडेंट जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी वो पल्सिस की फॉर्म में मिलेगी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलेगी। इसी पल्सिस जो पल्सिस वाली आउटपुट होती है, इसी बिहेवियर को, रूबी लेजर के बिहेवियर को बोलते हैं स्पाइकिंग बिहेवियर ऑफ रूबी लेजर। उसका कारण क्या है और ये क्यों हो रही है, आइए वो स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट सेक्शन की तरफ आ गए हैं रूबी लेजर के, जिसका नाम है स्पाइकिंग बिहेवियर ऑफ रूबी लेजर। तो स्टूडेंट जब आपको ये क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स में, तो आपको ये मेंशन करके आना है कि स्पाइकिंग बिहेवियर क्या होता है रूबी लेजर का। स्पाइकिंग बिहेवियर ऑफ रूबी लेजर से हम ये समझते हैं कि जो हमें आउटपुट मिलती है रूबी लेजर में, वो कॉन्टिन्यूस नहीं मिलती, वो पल्सिस की फॉर्म में मिलती है। अगर हम रूबी लेजर की पावर आउटपुट को ड्रॉ करें टाइम के साथ, तो आपको स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूस आपको आउटपुट नहीं मिल रही है, आउटपुट जो मिल रही है आपको स्पाइक्स की फॉर्म में मिल रही है, पल्सिस की फॉर्म में मिल रही है। तो स्टूडेंट्स इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करेंगे, जो फ्लैश लैम्प है वो फ्यू मिली सेकेंड्स में 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट कर देगा, और उससे क्या होगा, क्रोमियम आयंस जो है वो अपर लेवल पे जाएंगे, 4F1 4F2 लेवल पे जाएंगे, उसके बाद वो मीटर स्टेबल लेवल 2E में आएंगे। जो मीटर स्टेबल लेवल 2E था वो हमारा अपर लेजिंग लेवल था, और जो हमारी ग्राउंड स्टेट थी वो लोअर लेजिंग लेवल थी, मींस उनके बीच में जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया था, क्योंकि 2E लेवल्स में क्रोमियम आयंस का जो नंबर है वो ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया था। तो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव जब हो जाएगा, तो जो जीनोन फ्लैश लैंप है वो कुछ देर के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा, उसको दोबारा फ्लैश ऑफ लाइट एमिट करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम के दौरान स्टूडेंट्स क्या होगा, जो 2E लेवल्स में जो मीटर स्टेबल लेवल था 2E, जिसको हम अपर लेजिंग लेवल बोल रहे हैं, वहां क्रोमियम आयंस जो पहले ज्यादा हो गए थे पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से, वो फटाफट नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये बात कब होगी, जब स्टूडेंट जीनोन लैंप स्विच ऑफ रहेगा, जब वो नेक्स्ट पल्स नेक्स्ट फ्लैश ऑफ लाइट देने के लिए तैयार हो रहा होगा। तो स्टूडेंट उस टाइम जो 2E लेवल से जो हमारे जो क्रोमेमाइंस थे वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, अगेन जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्शन जो है वो नेसेसरी कंडीशन होती है लेजिंग एक्शन के लिए। पॉपुलेशन इन्वर्शन अगर खत्म हो गया मीन्स तो ही लेवल में क्रोमेमाइंस कम हो गए एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, तो हमारा जो लेजिंग एक्शन है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। जब वो लेजिंग एक्शन बंद हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जीनोन लैंप दोबारा फ्लैश ऑफ लाइट एमिट करेगा, दोबारा पॉपुलेशन इन्वर्शन बिल्डअप होगा, दोबारा वही प्रोसेस होगी जो हमने प्रिंसिपल और वर्किंग में पढ़ी थी। उसके बाद दोबारा हमारे पास एक पल्स मिलेगी लाइट की। तो ये स्टूडेंट ये काम चलता रहेगा और हमें जो पल्सेज हैं वो मिलती रहेंगी लेजर लाइट की और हमें आउटपुट में स्पाइक्स भी मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स ये है स्पाइकिंग बिहेवियर ऑफ रूबी लेजर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रूबी लेजर की। पहला डिसएडवांटेज यही है कि इसमें हमें कॉन्टिन्यूस लेजर बीम नहीं मिलती, पल्सेस की फॉर्म में मिलती है, इसलिए रूबी लेजर जो है वो कमर्शियली इतनी यूजफुल नहीं है जितनी कि दूसरी गैस लेजर्स हैं जैसे हीलियम नियॉन लेजर है वो बहुत ही ज्यादा कमर्शियली वायबल है एज कम्पेयर टू रूबी लेजर। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जीनोन फ्लैश लैम्प के कारण जो रूबी रॉड है वो गर्म हो जाती है, काफी हीटअप हो जाती है, जिसके कारण रूबी लेजर की वर्किंग में इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण हमें कूलिंग अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम कूलिंग अरेंजमेंट यूज नहीं करेंगे, कोल्ड वाटर की सप्लाई नहीं करेंगे चैम्बर के अंदर, तो ये जो रूबी लेजर है वो वर्क नहीं करेगी प्रॉपरली, तो इसमें हमें कूलिंग अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ये सॉलिड स्टेट लेजर है, जो रूबी क्रिस्टल है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो सॉलिड के अंदर पहले से ही कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण रूबी लेजर के आउटपुट में उसका असर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये थे तीन डिसएडवांटेज ऑफ रूबी लेजर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।